Subscribe now to receive new updates every day. इमाम उल हक से पूछा गया, भारत के किस खिलाड़ी का पावर आप छीनना चाहेंगे? लिया इसका नाम। एशिया कप का आगाज हो चुका है। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना है। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से खेला जाना है। इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान और हांगकांग की टीम को एक ग्रुप में रखा गया है। दोनों ही टीमों ने अपना पहला मैच हांगकांग के खिलाफ खेल लिया है। पाकिस्तान ने अपना मैच 16 सितंबर को खेला था। उस मैच में पाक ने हांगकांग को 8 विकेट से हराया था। वहीं भारत ने मंगलवार को मैच खेला। भारत ने हांगकांग पर 26 रन से जीत दर्ज की है। हालांकि भारत को इस मैच जीतने में पसीने आ गए थे, लेकिन अंत में भारतीय टीम की जीत हो गई थी। हालांकि आज भारत और पाकिस्तान का मैच है। पाकिस्तान के खिलाड़ी इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, तो वहीं भारत को हांगकांग जैसी कमजोर टीम से जीतने में पसीने आ गए थे। हांगकांग से मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी इमाम उल हक ने कहा है कि वे रोहित शर्मा के छक्के मारने का पावर छीनना चाहूंगा, क्योंकि वे बहुत बड़े बड़े और काफी ज्यादा छक्के मारते हैं। बता दें कि इस समय पाक के खिलाड़ी फखर जमान और इमाम उल हक शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ने पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दी है। हांगकांग के खिलाफ पाक के इमाम उल हक ने अर्धशतकीय पारी खेली थी, इसलिए इमाम इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया की आज होने वाले मैच पर नजर है, क्योंकि यह मैच हाई वोल्टेज मैच है। ये दोनों टीम चैंपियन ट्रॉफी के बाद पहली बार आमने सामने हो रही है। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। And don't forget to drop a like, leave a comment. Yeah.